मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि ज़िले कुरंगी के अंदर सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट का निज़ाम नाफिज करने का फ़ैसला किया था और 1 जनवरी से हम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि सिंध सॉलिड वेस्ट और कुरंगी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो है उसका एक माहदा तय पाया है, जिसके तहत अब कुरंगी ज़िले के अंदर जो सनतें एग्जिस्ट करती हैं वो अपना कचरा जो है, सॉलिड वेस्ट जो है, वो सिंध सॉलिड वेस्ट के हवाले करेंगे, ताकि हम ओवरऑल कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के कचरे के निज़ाम को भी बेहतर बना सकें और ये जो कचरा मिसयूज़ होते हुए बाद में हमारे नालों में जाते हैं, हमारी ड्रेन्स को जाके चोक करता है, उस मामले को भी अवॉइड कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ कुरंगी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का कि उन्होंने सिंध हुकूमत के इस इनिशिएटिव पर हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया और आज एग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने एक पहला स्टेप लिया है कराची के अंदर, जो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसमें ऑलमोस्ट एक अंदाज़े के मुताबिक 14 से 15 हज़ार इंडस्ट्रियल छोटे और बड़े यूनिट्स हैं और हमारे अपने हिसाब से तकरीबन कराची के अंदर 1500 टन जो गारबेज है वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो जनरेट करते हैं। पिछले 6 महीने की डिटेल असेसमेंट के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो ये गारबेज जो है वो अपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सर्व करते थे, जिसकी वजह से वो गारबेज प्रॉपर लैंडफिल साइट में पहुंचने की बजाय वो कहीं ना कहीं ओपन स्पेसेस के अंदर डंप होता था। हमने जितनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिसमें साइट है और काटी है और बाकी भी जितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उनके साथ इनिशिएटिव लिया और काटी ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी नेगोशिएशंस के बाद ये पहला जो हमें पायलट है एग्रीमेंट किया है, जिसके बेसिस के ऊपर हम इंशाल्लाह 1 जनवरी से लेकर जितनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको डोर टू डोर सर्विसेज देंगे। आज जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन काटी एंड सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये डेफिनेटली इट इज़ द नीड ऑफ द डे। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की ज़रूरत है और ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कदम है। आई होप कि ये पायलट प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो जाए, बिकॉज डोर टू डोर कचरा उठाना और उसका डिस्पोजल, इस तरीके से न सिर्फ इंडस्ट्री साफ़ रहती है बल्कि हमारा कचरे का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। तो इंडस्ट्री का ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से और इसके लिए आई होप और कि ये इनिशिएटिव हमारा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो। थैंक यू। इंशाल्लाह जिस तरह कुरंगी ने ये पहल की है, सिंध के तमाम अजला में जो हमारे सनती मराकज एग्जिस्ट करते हैं, उन तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि वो सिंध सॉलिड वेस्ट के साथ इंगेज करें, अग्रीमेंट करें, ताकि उनका कचरा भी उनके डोर स्टेप से सिंध सॉलिड वेस्ट की टीम जो है उठा सके और हम अपने सनती मराकज को, इंडस्ट्रियल जोन्स को साफ़ सुथरा रख सकें।